ये 8 नंबर का वीडियो जो डीप वाटर को लेकर है, लास्ट वीडियो होने वाला है एक्सट्रैक्ट को लेकर। तो ये लास्ट एक्सट्रैक्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्ट पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पाठ पढ़ना पड़ता है, पैसेज पढ़ना पड़ता है। तो सर शुरू करते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही आई हैड एन अवर्जन, मुझे नफरत थी, शुरुआत से ही मुझे नफरत थी टू द वॉटर, पानी से। When I was in it, जब भी मैं पानी के अंदर होता था तो मुझे पानी से डर लगता था, नफरत थी। This started, ये नफरत शुरू हुई जब I was 3 या 4, जब मैं 3 या 4 साल का था, जब मैं 3 या 4 साल का था तब से ये नफरत शुरू हुई, है ना। फादर टुक मी, पिताजी मुझे लेके जाते थे बीच इन कॉलिफोर्निया, कॉलिफोर्निया के बीच पर मुझे लेकर जाते थे। ही एंड आई, मैं और मेरे पिताजी टुगेदर, दोनों साथ साथ झाग में खड़े रहते थे। और आई हंग ऑन, और मैं पिताजी को टाइटली पकड़ कर रखता था। टू हिम, मैं पिताजी को टाइट पकड़ कर रखता था। वेव, जो लहरें होती थी वो टकराती थी मुझसे, लहरें मुझसे, पानी की लहरें मुझसे टकराती थी और मुझे गिरा देती थी, और वो लहरें स्वेप ओवर मेरे ऊपर से निकल जाया करती थी। आई वॉज ब्यूरिड, और मैं दब जाया करता था, और मैं दब जाया करता था पानी के अंदर। मेरी श्वास, माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी श्वास निकल जाया करती थी, मुझे पानी में बहुत डर लगता था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर जाता था। और पिताजी लाफ्ड, और पिताजी हंसते थे, बट देयर वॉज टेरर, लेकिन तभी से डर महोदय मेरे हार्ट में आ गए थे। तभी से, उसी दिन से वो डर जो महोदय है मेरे हार्ट, मेरे हृदय में आ गए थे, एंड ओवर पावरिंग, और उस डर ने मेरे ऊपर हुकूमत कर ली थी, बहुत ज्यादा हुकूमत कर ली थी। फोर्स ऑफ दी वेव, जो पानी की लहरें टकराकर मुझे गिरा दी थी, पानी की लहरें टकराकर जिसने मुझे गिरा दिया था, उसी से मेरा डर उत्पन्न हो गया था। माई इंट्रोडक्शन, मेरा जो इंट्रोडक्शन है, मेरा जो परिचय है YMCA स्विमिंग पूल को लेकर, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा नफरत से भरा हुआ है, अनप्लीजेंट है, असुहावना है, बेकार सा है, ठीक है। एंड स्टीयर्ड, और वो जो डर है वो मुझे क्या कर देता था, वेकअप कर देता था, चाइल्डिश फियर। मतलब वो YMCA पुल मेरे साथ में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे जब कभी भी मैं पानी के अंदर जाता था तो मेरे बचपन का डर मेरे अंदर वापस से आ जाता था, बचपन का डर, वो लहरों वाला। बट इन अ लिटल वाइल, लेकिन कुछ समय बाद में ही आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था। जब तक मेरे साथ में YMCA स्विमिंग पूल वाली घटना नहीं घटी थी, उससे पहले मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस पानी को लेकर आने लगा था, लेकिन वो घटना घटते ही मेरी 12 बज गई। भाई साहब, लास्ट है पैराग्राफ। क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द डीप वॉटर, डीप वॉटर के ऑथर कौन है, विलियम, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वॉटर, अरे डीप वॉटर के ऑथर कौन है, जॉन अपडाइक, नहीं सर ये तो था ही नहीं, ग्रेड्यूएंट सीमंस, क्या पता क्या लिखा हुआ है सर, ये भी नहीं था, विलियम ब्लेक, सर विलियम तो डगलस था, नन ऑफ दीज, तो सर कोई सा ही नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 4 नंबर होना चाहिए, जबकि हमारा राइटर कौन है, विलियम डगलस, WILLIM, लेकिन चारों ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन में ही नहीं है, और ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, की सर कोई सा ही नहीं है। वाह यार, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वाह भाई वाह। नेक्स्ट, वॉट डज द वर्ड रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब क्या है, कि सर रिवाइव्ड का मतलब होता है फ्रेश लाइफ होना, रिस्टोर द कंसियसनेस, और रिससिटेट, ये तीनों चीजें हमने पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई भी थी, इनको रट लेना, याद कर लेना, डी ऑप्शन। वॉट डज द स्पीकर मीन, स्पीकर का क्या मतलब है, कि आई वॉज ब्यूरिड इन वॉटर, की मैं पानी के अंदर दब गया था, पानी के अंदर गट गया था, इसका क्या मतलब है, कि उसकी श्वास निकल गई थी, कि ही वॉज ड्रेंच्ड, वो गीला हो गया था, या ही वॉज ड्रॉन्ड, वह डूब गया था, या ही लॉस्ट हिज ब्रीथ इन द पूल, या पूल के अंदर उसकी श्वास निकल गई थी, ही लॉस्ट हिज ब्रीथ इन द पूल, कि उसने अपनी पूल में श्वास खो दी थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड ही गो टू YMCA पूल, वो YMCA पूल पर क्यों जाता था, क्योंकि YMCA पूल सेफर था, सुरक्षित था, YMCA पूल क्या था, सुरक्षित था, ए ऑप्शन। द ऑथर वॉज स्केयर्ड ऑफ, ऑथर किससे डरता था, साइकिल चलाने से, प्लेइंग, खेलने से, पढ़ने से, कि स्विमिंग से, कि सर स्विमिंग से डर लगता था उसको, किससे डर लगता था, स्विमिंग से डर लगता था, ठीक है, डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। लीजिए सर, ये एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन हुए हमारे खत्म, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और फिर से एक नए वीडियो के साथ में जल्दी मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।